स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक राज में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा बजाज फाइनेंसर के बारे में कि बजाज ने अपना न्यू मोरेटोरियम शुरू कर दिया है और आपको इसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा और ये मोरेटोरियम कितने मंथ का है, ये सब जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, RBI ने जितनी भी NBFC कंपनियां, बैंक इसमें आती हैं, इन सभी को RBI ने अनाउंस कर दिया है कि लोगों को 3 मंथ का मोरेटोरियम और दिया जाए जिससे लोगों को थोड़ी और राहत मिल सके। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपके अमाउंट पर जारी रहेगा। दोस्तों, आपको पता है कि जब पहले मोरेटोरियम शुरू हुआ था उसमें आपको 2%, 2.5%, 3% और 4% तक का चार्ज लगा हुआ था। काफ़ी लोगों को मोरेटोरियम का लाभ पहले मिला था और काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे जिनको नहीं मिल पाया था, जिसमें बजाज ने अपने कस्टमरों को काफ़ी परेशान किया था। काफ़ी लोगों को पिछली बार मोरेटोरियम का लाभ मिल चुका था और काफ़ी लोगों को नहीं मिला था और वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो बजाज के कस्टमर थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि बजाज ने उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। फिर कुछ टाइम बाद AAP न्यूज ने लोगों की बातें सुनी और बजाज के खिलाफ आवाज़ उठाई। दोस्तों, अब बात यह आती है कि नए मोरेटोरियम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा या कंपनी खुद शुरू कर देगी। तो दोस्तों, हम सभी इस कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हमारे पास खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, हम इतने ज़्यादा परेशान हैं तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपने आप खुद ही अप्लाई करना चाहिए। हमें किसी भी कंपनी या बैंक को भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अप्लाई कैसे करते हैं, आपको बजाज के लिए अप्लाई कैसे करना है, मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। दोस्तों, जब आपका मोरेटोरियम अप्लाई हो जाए तो आपको एक दो काम और करने हैं जिससे आपके साथ कोई और फ्रॉड ना हो। सबसे पहले आपको अपने अकाउंट से, जो आपका अकाउंट बजाज में रजिस्टर है उसमें आपको जो कुछ ही थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं वो आपको वहाँ से निकालने हैं और अपने अकाउंट को जीरो कर देना है। जिससे क्या हुआ, आपके पास कोई भी ECS बाउंड चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि कंपनियाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। उसके बाद आपको जब अप्लाई हो जाएगा तो उसके बाद आपको एक बजाज के पास एक ईमेल और भेजना है, एक मेल भेजना है। वो मेल क्या भेजना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। काफ़ी कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपने कस्टमरों को बहुत हेल्प की है, बहुत सहारा दिया है, लेकिन बजाज ने अपने कस्टमरों को ज़्यादा से ज़्यादा रुलाया ही है। तो इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और आपको कैसे अप्लाई करना है मैं अब आपको इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है बजाज फाइनेंसर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कस्टमर पोर्टल, इस पर आपको टिक करना है, ये वाला। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट अस, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आप एक ऑप्शन आएगा ईमेल्स का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ ये पूछ रहा है कि आप बजाज के न्यू कस्टमर हो या ओल्ड कस्टमर हो। सीधी सी बात है, हम पुराने कस्टमर हैं तो हमें यहाँ पे यस कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से जो हमने बजाज में दिया हुआ है। चलिए मैं डाल देता हूँ। अब वेरीफाई करिए, OTP के लिए नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ हमें अपना OTP डालना है जो हमारे मोबाइल नंबर पर आया है। तो मेरा OTP आ चुका है, चलिए मैं डाल देता हूँ और हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए, मेरा यह ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट पर क्लिक करना है सबसे पहले, और सबसे ऊपर ऑप्शन है COVID-19 मोरेटोरियम पॉलिसी, इस पर हमें टिक कर देना है, क्लिक कर देना है।
उसके बाद हमें अपना प्रोडक्ट टाइप कर लेना है। यहाँ पे कई तरह के नाम आते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि आपका जो लोन आईडी है वो कौन सी है, ये आपको बजाज वॉलेट में आके दिख जाएगी। तो इसमें से आप ट्राई कर सकते हो, इसे आप पहले आई पर ट्राई करके देखो। फिर आपको नीचे आना है रिक्वेस्ट टाइप पे, तो यहाँ पे कोविड एक ही ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर नीचे आ रहा है लोन अमाउंट, इस पर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो मेरा इस नंबर का जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस सी डी वाले पे सिर्फ एक ही लोन चल रहा था, तो इसमें एक ही शो हो रहा है। अगर मैं कोई और करूँगा तो उसमें और शो होंगे। जैसे मेरे अगर और लोन होंगे तो मेरे तीन चार लोन हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, तो मुझे इस पर टिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो लॉग रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कितने महीने की चाहिए, कब तक की चाहिए, तो हमें यहाँ पर नीचे वाले पे सबसे लास्ट वाले पे क्लिक कर देना है, जून जुलाई और अगस्त। अब हमें यहाँ पे जो एक्सपेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए मुझे यहाँ पे रेफरेंस नंबर मिल चुका है। इस तरह से आपके अगर कोई और लोन है तो फिर यही पूरा प्रोसेस आपको दोबारा करना है। इतना प्रोसेस करने के बाद जब आपके पास रिक्वेस्ट नंबर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखो ये नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके जितने भी रिक्वेस्ट नंबर हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे हैं मेरे। देखो पहले के भी हैं, पुराने भी हैं, जो ही मैंने किए हैं वो न्यू भी हैं। तो आपके जो न्यू वाले हैं उनको यहाँ से आपको एक कॉपी कर लेना है, एक पेपर पर पेन से नोट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। फिर देखिए आपको अपने जीमेल खोलना है, यहाँ से आपको बजाज को एक मैसेज करना है, मेल करना है अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी से जो आपने बजाज में दी हुई है। तो आपको मेल क्या करना है आप देख सकते हो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। अगर आप मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब एकदम फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।